अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और जो है वो हमारा ब्लॉग नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। अभी जो है मैं जा रही हूँ, हम लोग ने नाश्ता वास्ता कर लिया सारा, ये इधर का घर का सारा मैंने वाइंड अप कर लिया। अब मैं जा रही हूँ अपने नए वाले घर, वहाँ सारी हम लोग जो है वो सफाइयाँ शफाइयाँ ओढ़नी है और जो भी सारा काम ले रहा है। मैंने सोचा कि फैमिली को बताऊँ, फैमिली जो है वो सोच रही होगी कि अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, तो कनेक्ट कर लिया है। चले देखें आगे होता है क्या, और आप लोग मेरे साथ साथ रहे। सफाइयाँ हो गई थी, हल्की थोड़ी बहुत हुई हैं सफाइयाँ, थोड़ी बहुत वाइंड अप हो गया है। दो कमरे हमारे वाइंड अप हो गए हैं, बाकी और हैं बहुत। उसमें जो कलर वलर का बहुत ज़्यादा मैस है, तो वो साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। बाकी ये कि दो कमरे हो गए, बाकी थोड़ा रहता है, दो दिन तो लग जाएंगे सफाई में। वहाँ से वापस आई हूँ, शदीद किस्म की भूख लगी। हम अल अज़ीज़ की बिरयानी लेकर आए हैं और बच्चे भूखे हो रहे हैं। उशी जल्दी दूँ बिरयानी? ओके, जल्दी से बिरयानी देती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी, अल अज़ीज़ की बिरयानी मज़ेदार सी, और इसके साथ आया है ब्राउन प्याज और रायता। तो वाकई में बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई है, और जल्दी से खाते हैं यार। ये हमारी चाय रेडी हो गई है और मैं इसको नाश्ता, मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो कुछ था नहीं, तो ये प्रिंस बिस्किट मेरा साथ दे रहा है बचपन से, साथ और अभी भी दे रहा है। और शदीद किस्म की थकावट हो चुकी है, और लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, फ्रेश हो के रिलैक्स हो गए हैं, और अब चाय पीती हूँ। थकावट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ मैंने बहुत जो है, मैं 3 घरों में शिफ्ट कर चुकी हूँ अब तक अपनी शादी के बाद। ये जो घर है ये बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहा है, नया है लेकिन काफ़ी टाइम से बंद था, तो इसकी वजह से सफाई कुछ ज़्यादा ही मांग रहा है। तो इस वजह से सफाई की वजह से बहुत थकावट हो रही है। कलर भी हुआ है तो कलर का भी वो एक अलग जो मैस हो रहा है बहुत ही ज़्यादा है। तो कल भी एक सफाई का सेगमेंट होगा, फिर शिफ्टिंग पैकिंग का भी साथ साथ है, देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। थकावट तो मुझे अभी एक ही शिफ्ट में हो गई है, और आगे की अभी पता नहीं कितनी शिफ्ट हैं जिसमें मैं शदीद किस्म की थकने वाली हूँ। तो खैर, चाय पीती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सब सुन रहे हो? अब तो सब सुन लिया, सबने सुन लिया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरुष का है कि वो कल स्कूल ना जाए, लेकिन अभी उसको स्कूल जाना है। नहीं यस। अच्छा, अरुष की थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, इसका नज़र जुकाम भी नहीं जा रहा है, पता नहीं कि थोड़ा एक दो दिन से ही रहता है। क्या आए हाई, तो नज़ले की वजह से स्कूल तो जाओगी। नमाज़ पढ़ के अभी फारिग हुई थी, थक गए बहुत, सर में शदीद दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज नमाज़ पढ़ने में भी सच्ची देर हो गई है मुझे। आज जो मेरे न वहाँ के बाद से जो मैं आई हूँ, और जो मेरे सर में दर्द शुरू हुआ है वो अभी तक हो रहा है, हालांकि मैंने मेडिसिन ले ली है लेकिन दर्द जो है वो जा नहीं रहा है। फारिग, नमाज से फारिग होने के बाद मैंने सोचा कि मैं लेट जाती हूँ जल्दी, लेकिन लेट नहीं सकते हैं। आरुष की फरमाइश आ गई, आरुष को जो है वो ऐसा, आरुष कह रही थी मम्मा मुझे यखनी बना दें, तो आरुष की यखनी बनने जा रही है। तो अभी मेरे पास चिकन नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इंस्टेंट यखनी जो है मैं यही इसको बना के दे दूँ। ये इसकी वैसे भी ये वाली फेवरेट है, ये बहुत शौक से पीती है, तो मैं यखनी बनाती हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ। तो आरुष की यखनी जो है वो रेडी होने जा रही है, तो ये हमारी यखनी उसी की जो है वो रेडी हो गई है, और अब हम जो हैं अरुष को देते हैं। अरुष, आपकी रेडी हो गई, ये रेडी हो गई है। अब अरुष का रिएक्शन, क्या आप नहीं उठा सकती? आप उठा के रख दो वहाँ पर, पहन बैठ। बच्चों के ये कपड़े ये धुले थे, लॉन्ड्री हुए थे, अब इनको मैं तय करके अलमारियों में डालूँगी, क्योंकि मैं जो है, लाइट आ गई है,
मैं जो है वो ज़्यादा फैलावा नहीं जो है कर रही हूँ, कपड़े भी हाथ के हाथ जो है लॉन्ड्री हो रहे हैं और घर में जैसे कुछ भी मैस वगैरह ज़्यादा नहीं हो रहा है। और हमदान जो है आजकल वेकेशन हैं तो ये अभी तक जाग रहे हैं, और अरूज भी जो है वो अभी आज उसको लेट हो गया क्योंकि आज छुट्टी थी, तो इस वजह से अरूज का लेटना लेट हो गया। अब उसको भी मैं लेटाती हूँ और ये सारा वाइंड अप करती हूँ और फिर उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। मैं जो था मैं ये सफाई करके गई थी आज, अभी थोड़ी देर ये वॉशरूम हो गया है और अभी ये इतना सारा मैस बाकी है, ये मैस बहुत है, यहाँ पे मैस बहुत है। अभी ये वाला हमारा रूम भी रहता है, इसका वॉशरूम भी रहता है, ये भी हल्का फुल्का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, और वहाँ का भी रहता है। अभी अभी जो है वो मैं और अश्याम आए थे यही, अश्याम जो है स्वीपर को लेकर आए थे क्योंकि वॉशरूम्स में जो है हमने केमिकल डलवाया क्योंकि ज़रूरत थी, है ना। तो एक हो गया है क्लीन, दूसरा हो रहा है और तीसरा रहता है। केमिकल की ज़रूरत थी यार क्योंकि तीन साल से घर बिल्कुल बंद रहा है, तो इस वजह से काफ़ी मैस हो गया है इस घर में। हमें अगर पता होता ना कि इतना मैस है तो शायद मैं ओके ना कर दी ये घर, लेकिन बस खैर आप लोग दुआ कीजिएगा और अल्लाह से भी ये उम्मीद है कि ये घर हमारे लिए जो है बरकत और रहमतों वाला हो, और जो है और जो भी हो अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करें और कुछ नहीं। अरे शाम जो है अपनी चाय पी के खड़े में गुमसुम पता नहीं क्या कर रहे हैं, बच्चे मैं घर पर ही छोड़ के आई हूँ। और बस अब आप लोग जो है मेरे साथ साथ रहें, अपनी वीडियो को मैं जो है यही एंड करूँगी, और एंड करने से पहले दो चीज़ें करती हूँ, और दो चीज़ें करने से पहले इंस्टा पे जल्दी से जाएं मुझे फॉलो करें, इंस्टा आई डी यही आ जाएगी, और दो चीज़ें वो ये जो हमेशा है कि रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बोलेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है, इसको सब देख सकते हैं, सब इन्जॉय कर सकते हैं। और दुआ वो ये जो हमेशा आप लोगों के साथ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें, आपके रिस्क में इजाफा करें। यही दुआ आप लोग मेरे लिए क्या करें, मेरी फैमिली के लिए क्या करें। तो बस एक छोटे से नोट, छोटी सी दुआ के साथ साथ एक छोटा सा अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी और मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।